हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वीडियो 15 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है चांद्रित अक्ष का भर्जन और निष्ठापन। ठीक है, अभी जो हमारा चल रहा था फेन प्लवन विधि, चूम के पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, तो ये जो हमारी सारी की सारी विधियां थी, ये क्या थी कि जो आपके पास डायरेक्ट अक्ष प्राप्त होगा, उस अक्ष से हमने क्या निकाला था, धातु कहीं ना कहीं इनके एक्स को कहीं ना कहीं शुद्ध किया था। तो अब हम उनको क्या करेंगे, उनको भट्टियों में गर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो धातुओं का जो एक्स का क्या था, साधारण था। इसके बाद आज की वीडियो में क्या है हमारा, धातुओं का निष्ठापन या भर्जन। ठीक है, 2 मार्क का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते, इसको फटाफट से देखते हैं भैया, इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखना है और इसको समझना है। बेहद आसान टॉपिक है दोनों। ठीक है, अक्सर इनमें अंतर पूछा जाता है एग्जाम में। तो और ये नहीं कि 10th क्लास में, ये 12th में भी आता है, 10th में भी आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी कंपटीशन की परीक्षाएं होती है उनमें भी इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, भर्जन है, रोस्टिंग। ठीक है, भर्जन, इस भर्जन में जो ध्यान देने वाली बात है इसकी परिभाषा, यानी कि अगर आप धातु को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हो। ठीक है, गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। यानी कि जब धातुओं को उसके गलनांक से कम ताप पर, मान लेते हैं आपके पास कोई धातु है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई भी धातु है और उसको 900 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, गलनांक है। तो आपको इस धातु को 900 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म करना होगा। ठीक है, यानी कि गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई जो धातु है या कोई पदार्थ है वो गलना शुरू हो जाता है। तो मान लेते हैं आपके पास कोई धातु है जिसका गलनांक फिक्स है, कितना, 900 डिग्री सेल्सियस। तो इससे कम ताप पर आपको वायु की उपस्थिति में ही इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, भर्जन कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, भर्जन की परिभाषा आसान है। इसका क्या होगा, इसका एकदम उल्टा, धातुओं को उसके गलनांक से अधिक कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, तो इसमें क्या आ जाएगा, वायु की अनुपस्थिति। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति कहने का मतलब है कि जो हमारा भर्जन होगा उसमें वायु उपस्थित होगी और जो निष्ठापन होगा उसमें वायु की जरूरत हमें नहीं होगी। ठीक है, दोनों एक साथ उल्टे हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा से ही हमें पता चल गया है कि यहाँ वायु की उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक है, भर्जन के लिए वायु होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम कैसी धातुओं को, कैसे एक्स को गर्म करते हैं, जो सल्फाइड हो। ठीक है, जिनमें क्या हो, सल्फाइड हो, सल्फाइड युक्त एक्सो को ही हम यहाँ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास सल्फर है तो वायु के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। सिंपल है, आसान है। वायु के लिए क्या लिया आपने, O2 लिया, लेकिन इसमें यहाँ O2 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ वायु तो है ही नहीं। भाई मान लेते हैं आप किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हो, यदि आप उसका ढक्कन बंद करके गर्म कर रहे हो, ठीक है, आप इसको गर्म कर रहे हो और उसका जो ढक्कन है ये बंद है, तो यहाँ वायु तो जाएगी नहीं, जो भी निकलेगा अंदर से ही निकलेगा गर्म करने के बाद। और भर्जन में क्या होगा, ढक्कन बिल्कुल खुला हुआ होगा, तो यानी कि वायु भी इसके साथ क्रिया कर सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपके पास कॉपर एक्स है, कॉपर पाइराइट है, CuFeS2 है, कॉपर पाइराइट। तो जब आप कॉपर पाइराइट को वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, CuFeS2 को जब आप वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, तो क्या होगा, यहां पर आपको CU2S+ इसके साथ क्या प्राप्त होगा, FeS और प्लस SO2। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ
ये सब विक्रिया में आपको ये चीजें प्राप्त हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है, ठीक है, ये अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है। कॉपर ये कितने हैं, दो, Cu2, तो यहाँ क्या लगा लेंगे आप, दो लगा लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि Fe के कितने हो जाएंगे, यहाँ दो, तो यहाँ Fe का एक है तो यहाँ भी आपका दो आ जाएगा। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि जो S है, S सल्फर है, उसके कितने हैं, दो दुनी चार, इसकी भाई यहाँ पे गुणा होती है, तो कितने हो जाएंगे S के चार अवयव हो जाएंगे, चार अणु हो जाएंगे। तो अब आप इधर भी देखिए चार है या नहीं, एक दो और दो, ये कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। ऑक्सीजन ये O2, ये SO2, ये गैस है भाई, ये निकल के बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से भर्जन में हमारा मेन पॉइंट क्या आ जाता है, ऑक्सीजन होना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ O2 लेना अनिवार्य होगा। तो ये भर्जन की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल आपको समझा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल में आप यहाँ कोई भी ऐसी अभिक्रिया ले सकते हो, कोई भी एक्स ऐसा ले सकते हो जिसमें यहाँ आपको ऑक्सीजन की क्रिया करानी पड़े, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भर्जन। 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और 2 मार्क का अक्सर आता ही रहता है। अगर आप ये देख रहे हो Cu2S और FeS, अगर आप इसको भी फिर से वायु में गर्म करोगे FeS और O2, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अभिक्रिया क्या होगी। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपको ये बताना है कि इस अभिक्रिया में यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा। हिंट के लिए मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ SO2 गैस भी निकलेगी भैया, यहाँ पे भी SO2 गैस निकलेगी, आपको मैंने हिंट दे दिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर इस अभिक्रिया को संतुलित करके बताइए, यदि आपसे ये नहीं होगा तो फिर सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पे ही चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो भर्जन है उसका जो मेन पॉइंट होगा क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि भर्जन आपकी समझ में भैया आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं निस्तापन, कैल्सिनेशन, ठीक है, इसमें क्या होगा, वायु नहीं होगी, ठीक है, यानी कि जब धातु अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में वायु क्या होगी, एब्सेंट होगी भैया, वायु जो होगी, एयर जो होगी वो एब्सेंट होगी, और जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी इसी की तरह कम होगा, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया वो भी क्या होगा, इसी की तरह होगा, यानी कि कम होगा। जब धातु अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके कम गलनांक पर गर्म करते हैं तो उस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। भैया जैसे इसमें आपने ऑक्सीजन जोड़ा था, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं लेना है, आप निस्तापन अभिक्रिया में ऑक्सीजन नहीं लोगे। ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ निस्तापन जो है इसमें आपको ऑक्सीजन नहीं लेनी होती है, मतलब यहाँ वायु नहीं होगी। भैया आप समझ सकते हो कि आप जो भी गर्म कर रहे हो या कोई भी पदार्थ आप चाहे अपने चूल्हे पे बना रहे हो तो ढक्कन उसका खुला हुआ नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे निस्तापन, ठीक है, यानी कि वायु यहाँ नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं आपके पास क्या है, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, भैया अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन आपको ऐड नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, निस्तापन है, निस्तापन में आपको ऑक्सीजन ऐड नहीं करना, ठीक है। अक्सर बच्चे एग्जाम में भी यही गलतियां करते हैं कि भर्जन में निस्तापन वाला लिखते हैं, निस्तापन में भर्जन वाला लिखते हैं, तो आपको इस कमी पे, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। कंपटीशन में भी अक्सर जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति होती है, वायु की उपस्थिति नहीं होती, ये होता है। तो आपको दोनों ही डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से याद करनी है, इनका एग्जाम्पल भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ ऑक्सीजन आप नहीं लोगे, ठीक है, और ऑक्सीजन के अलावा आप कोई भी यहाँ नहीं जोड़ोगे, निस्तापन, ठीक है, निस्तापन क्या हो जाएगा, ZnO और प्लस, और क्या निकल जाएगा यहाँ, ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और प्लस CO2, समझ पा रहे होंगे, कार्बन का एक है,
ऑक्सीजन के तीन है, एक यहाँ जाएगा, दो यहाँ जाएंगे, ये गैस है, तो ये सीओ टू जो है हम ऊपर की ओर निकाल कर दिखा देंगे। उम्मीद करता हूं भर्जन और निष्ठापन आपकी अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इन अभिक्रियाओं को सोल्व करके देना है, समझाना है कि यहाँ आपको क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनाना है यहाँ। और मैंने पहले ही यहाँ आपको हिंट के रूप में SO2 दोनों अभिक्रियाओं में बाहर निकाल कर दिखा दी है। आपको ये अभिक्रिया दोनों संतुलित करके फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपके टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो भी मुझे आप जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी, धन्यवाद।